गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि उसने यहाँ तो पे भाई क्या मुझे हो रहा पास है। तो जंगल यहाँ जाने पे दे ये हो फिर रहा भी है कि आपको घर देखना पता ही है सुनाता हूँ। कि मेरे घर में जो है आम के पेड़ लगे हुए हैं, और पेड़ पे जो है बहुत सारी चिड़िया वगैरह जो है रहती हैं, और वो घोंसला भी बना हुआ है। पता नहीं ये चिड़िया कहाँ से उड़ के आई है, कैसे आई पता नहीं, लेकिन उड़ के जो है ये नीचे बैठी हुई थी और बहुत देर से बैठी हुई थी। उसके बाद जो है देखिए उसकी जो है अब माँ है, माँ तो नहीं लग रही है मुझे, लेकिन पता नहीं कौन है ये, कौन सी चिड़िया है ये, पता बार बार उसको देखने के लिए आ रही थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने वीडियो बना ली थी। और आप देख सकते हो कि वो चिड़िया जो है आवाज़ कर रही थी, तो वो आवाज़ कर करके जो है बुला रही थी, अपनी माँ को बुला रही है, अपने दोस्तों को बुला रही है। तो एक चिड़िया जो है वो उड़ के आई और बार बार उसके पास आ रही थी, तो हमें ऐसा लगा शायद हम लोग खड़े हैं इसलिए वो उसे नहीं लेके जा रही है, इसलिए हम लोग फिर अंदर चले गए थे। फिर अंदर से मैं छुप के जो है जूम करके मैं वीडियो बना रही थी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है। और ये चिड़िया है ना, इस किट्टू बार बार इसके पास जा रही थी। पहले तो किट्टू इसके बगल में बैठी हुई थी, हमने उसको खाना वगैरह भी डाला था, हमने सोचा ये खाएगी, किट्टू पर नहीं खाया उसने। फिर किट्टू को हम लोग उसके पास से लेके जा रहे थे, किट्टू रोने लग रही थी, बार बार रोने लग रही थी वो। और ना मतलब पता नहीं कहाँ से कैसे गिरी हमें नहीं मालूम, लेकिन बहुत बुरा लग रहा था उसको, मतलब ऐसे देख के। तो मैंने बर्तन वगैरह जो है ना मैं धोने के लिए गई थी बर्तन, तो मैंने देखा कि भाई ये यहाँ पे है, तो मैंने बर्तन सब साइड में कर दिए। और फिर देखिए इसी तरीके से पूरा वहाँ पे जो है पीछे टहल रही थी, और किट्टू ना जा ही नहीं रही थी इसके पास से, किट्टू बार बार इसके पास ही भाग रही थी, और हम दूर लेके जा रहे थे तो रो रही थी, ऐसा कर रही थी। और जो चिड़िया है इसकी एक और जो है, मैं बोलूँ फ्रेंड बोल दूँ, माँ बोल दूँ, अब पता नहीं कौन, अब मैं जो है तो मालूम। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ब्लू कलर की है ये इसको पता नहीं कौन सी चिड़िया बोलते हैं, पर ये ना बार बार जो है आ रही थी उसको लेने के लिए आ रही थी। और एक बार तो उसने ना मतलब चोंच में कुछ लेकर आई थी, कुछ खाना लेकर आई थी शायद, और उसको उसने दिया और फिर उड़ गई थी। तो बार बार यही चल रहा था, बार बार यही चल रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वो छोटी सी चिड़िया वो अपने माँ के लिए जो है ना तड़प रही, अपनी माँ को बुला रही है वो। और ये जो है ये बार बार आके जो है उसको मतलब कुछ कह रही है शायद, अपन उसकी भाषा तो नहीं समझते लेकिन कुछ कह रही है वो, तो अपनी माँ के लिए जो है वो तड़प रही थी। तो यहाँ पे ये सब कुछ जो है हम लोग देख नहीं पा रहे थे। और उसके बाद जो क्या हुआ था ना, किट्टू के पापा ने जो है उसको ऊपर छोड़ दिया था, तो वो ऊपर से फिर चली गई थी। और यहाँ पे जो है मैं पुलाव बना रही हूँ, तो पुलाव बनाने के लिए मैंने सोयाबीन बड़ी निकाल ली है, और ये यहाँ चावल जो है मैंने धो के और इसमें पानी रख दिया है। और यहाँ पे जो है ये मैंने टमाटर काट लिए हैं, प्याज काट लिया, हरी मिर्च काट ली है, तो ये सब मैंने तैयार कर लिया था। इसके बाद वीडियो बनाना जो है मैंने स्टार्ट किया है। और ये देखिए मैं जो है भगोना में बना रही हूँ, और कुकर में भी बन जाते हैं पर मैं इसमें बना रही हूँ आज। मेरे कुकर ख़राब हो चुका है, पता है आपको कि मेरे, तो वही जो है ना वो चिड़िया जो थी ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, वो बार बार चीख रही थी। तो मैंने उसके बगल में जो है डिब्बे में पानी भी रखा, और रोटी के जो टुकड़े टुकड़े करके रोटी भी रख दिए थे ताकि वो रोटी खा ले, पर नहीं खा रही थी वो, और बस आवाज़ कर रही थी, आवाज़ कर रही थी। उसके बाद जो है वो ब्लू कलर की जो चिड़िया है ना वो आई, और वो आके जो है बार बार कुछ कर रही थी। इसके बाद मुझे ऐसा लगा शायद वो आ रही है, लेकिन वो अब ले जा नहीं पा रही है, क्या है अब इतना तो नहीं मालूम। तो फिर मैंने जो है किट्टू के पापा को बोला, तो उन्होंने क्या करा, छत के ऊपर जो है उसको रख दिया था, चिड़िया को अच्छे से जो है उठा के पेपर में जो है अच्छे से उठाया, और उसके बाद जो है उसको छत के ऊपर छोड़ दिया। इसके बाद जो है छत के ऊपर जो है छोड़ दिया, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, अभी तक तो मुझे नहीं दिख रही है अब वो, शायद चली गई है, उड़ गई है शायद वो। और यहाँ पे जो है देखिए मैंने तेल डाल दिया है, और तेल में जो है मैंने जीरा डाला है, जीरा राई आप चाहो डाल सकते हो, और इसमें मैंने कोई भी खड़ा गरम मसाला नहीं डाला है आज, बिल्कुल सिंपल बनाने का मन कर रहा था तो सिंपल ही बना रहे हैं। मतलब कुछ भी इसमें पत्ते वगैरह या काली मिर्च लौंगी कुछ भी नहीं डालूंगी मैं, सिंपल सा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कोई वेजिटेबल भी नहीं डाला है, बस ऐसे ही जो है कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था तो हमने ऐसे ही हल्का फुल्का बना लिया था। तो ये मैंने प्याज डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है, प्याज डाल दिया मैंने इसमें, और प्याज को जो है हम अच्छे से जो है भूनेंगे, ज़्यादा इसको जलाएंगे नहीं, हल्का सा जो है हम इसको रखेंगे, क्योंकि चावल के लिए है इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको जो है प्याज को जो है चला रही हूँ, और 2 दिन से क्या हो रहा है ना यही हो रहा है, 2 दिन से जो है वीडियो ठीक से नहीं आ पा रही है क्योंकि मेरे पैर में लगी हुई है। तो मैं खाना वगैरह जो है मैंने 2 दिन तक तो खाना बनाया ही नहीं है, बाहर बाहर से ले लेके आए हैं ये, और मैं उठ ही नहीं रही थी बिस्तर से, बस हल्का फुल्का जो है चल रही थी उस पर ही मैंने एक वीडियो बनाई थी बस।
तो हल्का फुल्का चल रही थी, अभी थोड़ा आराम है पैर में। और रोज़ जो है ट्यूब, जो है डॉक्टर ने ट्यूब दी है पैर पे लगाने के लिए, तो पैर पे ट्यूब लगा रही हूँ। और जो मेरे स्किन जो है पूरी ख़राब हो चुकी है, स्किन पे पूरे दाने निकल चुके हैं, शायद वो क्यों हुआ है मैं कैसे बताऊँ। तो यहाँ पे जो है देखिए हरी मिर्च जो है मैंने ऐड कर दी है, तो अब इसको जो है हम अच्छे से जो है पकने देंगे, अच्छे से लाल होने देंगे इसको। तो मैंने वही बताया कि उन्होंने डॉक्टर ने जो है ट्यूब दी है, तो वो ट्यूब मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ ताकि थोड़ा उससे जो है मुझे जल्दी आराम मिल जाए। और अभी तो थोड़ा जलन हो रही है फेस पे, पता नहीं क्यों जलन हो रही है। तो यहाँ पे देखिए प्याज मेरा हो चुका है, अब मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिया है। और टमाटर जो है ऐड करने के बाद जो हम इसमें मसाला भी टमाटर के साथ ही जो है ऐड कर देंगे। तो अभी पहले तो इसको हम मिला लेंगे अच्छे से, इसके बाद जो है हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। वैसे तो मेरे को अंदाज ही, मैं अपने अंदाज से डाल देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको बनाना है तो आपको कितना धनिया पाउडर, ये हल्दी वगैरह डालना है। तो यहाँ पे मैंने जो है 1.5 चम्मच जो है नमक डाला है, और चम्मच जो है बहुत छोटा चम्मच है। अगर आप टेबल स्पून ले रहे हो तो आप अपने नमक तो आप अपने सावधानी से ही डालिए, हम लोग थोड़ा नमक ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए नमक जो है मैंने छोटा चम्मच ही है, तो उसके हिसाब से मैंने 1.5 चम्मच डाला है, 1.5 से भी कम ही था। और यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, तो धनिया पाउडर डालोगे आप 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल सकते हो, ठीक है। तो 2 टेबल स्पून आपका धनिया पाउडर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं हल्दी डालूँगी 1/2 टेबल स्पून। अभी हम मिर्च डालेंगे, तो मिर्च जो है मैं थोड़ा तीखा बना रही हूँ, तो मिर्च मैं 1.5 चम्मच डालूँगी, 1.5 चम्मच टेबल स्पून, जो टेबल स्पून होता है ना उसका बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाली है। तो ये सब जो है अब हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें जो है हम चिकन मसाला भी जो है ऐड कर देंगे। तो चिकन मसाला मैं ऐड करूँगी इसमें अभी, और चिकन मसाला कोई भी आप एवरेस्ट का ले सकते हो या जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो। और मैं जो हूँ ये RBI करके है कुछ है, मैं अभी आपको दिखाऊँगी, ये देखिए ये है RBM, हाँ जी RBM है चिकन मसाला, ये अच्छा टेस्ट आता है इसका, अभी शायद नया आया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। और एवरेस्ट का है उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और वो तो कंपनी की चीज़ें होती हैं सभी। तो ये देखिए इसको मैंने ऐड कर दिया है, अब इसको जो है हम अच्छे से जो है भूनेंगे। इसमें हल्का सा पानी जो है ऐड करना है हमें, तो हल्का सा पानी ऐड करके आप इसको मसाले को अच्छे से जो है भून सकते हो। तो यहाँ पे जो है देखिए अच्छे से जो है मैं इसको मैश कर रही हूँ, जो टमाटर है ना उसको अच्छे से जो है मैश करना है आपको। और मैश करके जो है आपको जब ये अच्छा मैश हो जाएगा ना, तो मसाले में अच्छे से फिक्स हो जाएगा और अच्छा लगने लगेगा। और आप कलर देख सकते हो, कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और ये बनने के बाद और भी ज़्यादा जो टेस्टी लगने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, कुकर में शायद मैंने आपको एक बार दिखाया था, अभी मैं आपको भगोने में बना के दिखा रही हूँ, और थोड़ा अलग दिखा रही हूँ उससे। और इसमें मैंने कोई भी वेजिटेबल वगैरह यूज़ नहीं किया है, सिंपल सा बनाया है, इसमें कोई भी लौंग कड़ी पत्ता ये सब कुछ मैंने ऐड नहीं किया है, थोड़ा अलग है ये, पहली वाली वीडियो से थोड़ा अलग है ये। तो यहाँ पे जो है मैंने सोयाबीन बड़ी को जो है मैंने ऐड कर दिया, आप देख सकते हो। और सोयाबीन बड़ी को उबालना नहीं है आपको ऐसी, मतलब या गर्म पानी में भी नहीं डालना है आपको, क्योंकि सोयाबीन बड़ी बहुत ही अच्छी, हल्का सा आप चाहो तो धो के आप इसको ऐड कर सकते हो, या आप चाहो तो गर्म पानी में भी कर सकते हो, सेफ रहना अच्छी बात होती है, आप जितना करो आप अच्छा ही होता है। तो आप चाहो तो गर्म पानी में भी रख सकते हो इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐड कर दिया है, और ये मसाला हो चुका है मेरा। तो अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया है, और एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हुई थी तो इसलिए ठीक से जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने चावल ऐड कर दिया है, चावल में पानी भी था हल्का सा, तो वो पानी भी इसमें गया, अभी हम और पानी इसमें ऐड करेंगे। तो पानी अभी मुझे ऐड करना है, पहले मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो कमेंट में बिल्कुल कर सकते हो। और अभी अभी जो है बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल रहा है वीडियो पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप लोग इसी तरह से जो है मेरे साथ बने रहिए, और बहुत जल्दी जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतने अच्छे दोस्त बना लिए हैं ना, कि मुझे हर जो बात है अपने दिल की बात जो है मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ, तो मेरा जो मन है ना हल्का हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ जो है जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल है उसे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो पुलाव जो है हमारा बन के जो है रेडी होने वाला है, अभी जो है इसमें उबाल आया है, तो बनने ही वाला है, बस अब उबाल आया है। तो ये देखिए पानी जो है सूख चुका है, तो अब हम इसको ढका देंगे, मद्दा कर देंगे गैस को, और इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया था वीडियो, ये चावल जो है हमारा बन चुका है।
तो उबाल आने के बाद ना आपको थोड़ी देर खुला रखना है ढक्कन को, थोड़ी देर आपको खुला रखना है। जब आपका पानी सूख जाए फिर आपको ढक्कन लगा के जो है गैस को मंदा कर देना। तो यहाँ पे पुलाव बन चुका है हमारा, रेडी हो चुका है हेलो पुलाव। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी जो है मैं बाहर बैठी हूँ, मतलब थोड़ा सा आंगन है ना मेरे बाथरूम के बगल में, थोड़ा सा ऐसे ही हम लोगों ने गैलरी टाइप की जो है छोड़ी है, तो मैं वहाँ पर बैठी हुई हूँ। और बाहर जो है पूरा जो है ना सूना पड़ा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ गली में मतलब। लेकिन आप रोड में चले जाओगे मेन रोड पे तो पूरा खाली पड़ा है, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, सभी लोग घर पे हैं। अच्छा लग रहा है, इन्होंने अभी दुकान नहीं खोली है घर पे, इसलिए मैं अंदर वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं यहाँ आके वीडियो बना रही हूँ, वो टीवी देख रहे हैं अंदर, किट्टू सो रही है। तो मैंने जो है मैंने पुलाव बना लिया है और हम लोग वही खाएंगे। और आज दुकान 2 दिन से जो है दुकान नहीं खोली है, इसलिए मैंने कल भी वीडियो नहीं बनाई थी। और अभी जो है मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और बहुत ही मतलब माहौल बाहर मतलब देख के पता चल रहा है कि लोग बाग कितना सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कोरोना वायरस के लिए जंग जो होती है ना, वो लोग घर बैठे लड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का, वो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग जो है वो करते हैं मतलब अड़ंगा टाइप का, नहीं तो वो लगाते हैं। बट अभी जो है आप कहीं पे भी चले जाओगे सभी लोग यही कह रहे हैं कि नहीं हम घर पे ही रहेंगे और हम लोग इससे लड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कल जो है सभी लोगों ने 5 बजे जो है थाली बजाई और बहुत अच्छा माहौल, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। पर मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ पता है आपको, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि मतलब कैसा माहौल था बाहर का। बट हाँ, लेकिन लोगों से सुना है कि दुकान कल, क्योंकि शाम को जो है दुकान के जो लोग हैं ग्राहक जो आते रहते, वो घर पे आए थे सामान लेने के लिए, तो घर पे आए थे सामान लेने, तो वो लोग जो है इनको बता रहे थे। तो मैंने सुन लिया था कि बाहर जो है ना बहुत सब सब लोग, कुछ लोग गाड़ी के हॉर्न बजा रहे थे, कुछ लोग ताली बजा रहे थे, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के पेपर में जो है फोटो भी आई है, यहाँ के बच्चों जो है बच्चे जो है वो थाली वगैरह बजा रहे थे, तो उनकी जो है फोटो आई हुई है। और ये मेरे मायके तरफ भी यही माहौल था, सब जगह यही माहौल था। मैं बाहर नहीं निकलती इसलिए, वरना मैं वीडियो जरूर बनाती और वीडियो बना के आप लोगों को जरूर दिखाती कि हाँ यहाँ पे कैसा था माहौल। और मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ तो मैं वीडियो बना ही नहीं सकती थी ना, तो ठीक है। और कल तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं, तो आज जो है मैंने वीडियो, मैंने सोचा मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई है तो आज बना लेती हूँ। एक वीडियो जो था वो मैंने एक दिन पहले शूट किया था, मतलब रोज़ वीडियो जो है अभी नहीं बना पा रही हूँ मैं, क्योंकि हालत भी नहीं है और फिर ये घर पे सब लोग रहते हैं तो उनके सामने वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, आपको पता है वो किचकिच करते, अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं यहाँ अकेले में आके वीडियो बना रही हूँ, यहाँ बैठी हुई हूँ। आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैं इतनी सी जगह पे कैसे बैठी हुई हूँ। तो ठीक है, वीडियो यही था आज का। रेसिपी जो है मैंने आपसे शेयर की है पुलाव का, आप कुकर में भी बनाते हो और मैंने ऐसे भी बनाया, भगोना में बनाया है, तो इस तरीके से भी बना सकते हो आप। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और अभी जो है बस ऐसे ही आप मेरा फेस देख सकते हो। अभी तक जो है फेस पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है, गले में पीछे जो है पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरे चेहरे की हालत देख सकते हो, पूरा जो चेहरा है ना लाल हो चुका था, और पूरा जो है ना मतलब क्योंकि मेरी चेहरा बहुत ज़्यादा ऑयली है, सेंसिटिव टाइप का है ना, अजीब पता नहीं कैसा चेहरा है कि अगर कुछ भी मुझे एक थप्पड़ भी लग जाती तो मेरे पिंपल निकल आते हैं, तो उन्हें इतने वो होता है ना, तो इसलिए वजह से देखिए कितने सारे जो हालत हो गई है, पूरा चेहरा खराब हो चुका है। तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मैंने पता दवाई ली है हॉस्पिटल से, एक ट्यूब टाइप की आई है, तो वो ट्यूब जो मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ तो उससे अभी थोड़े दबे हैं, पहले बहुत ज़्यादा उभरे उभरे थे लेकिन अभी थोड़े दबे हैं ये, तो बहुत ज़्यादा है। वो ट्यूब मैं लगाती हूँ, 450 का एक आया है ट्यूब, और बहुत महंगा आया है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं उसको ही लगा रही हूँ। तो अभी उन्होंने कुछ भी लगाने से मना किया है, क्रीम पाउडर कुछ भी जो है मुझे नहीं लगाना, इसलिए मैं ऐसे हालत में आपको दिख रही हूँ, क्योंकि मुझे फेस पे कुछ भी नहीं लगाना है, तो इसलिए मैंने सिंपल ऐसे लुक में आपको दिख रही हूँ मैं, आप लोग सोच रहे कैसे दिख रही हूँ। तो ये है ना, तो मैं क्रीम लगा रही हूँ ना वो वाला जो डॉक्टर ने दिया, इसलिए मुझे, मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, बस यही लगा रही हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी जो है थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा है, वीडियो बनाने में भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि आप घर में ही इन सब लोग हैं, सब लोगों के साथ साथ में आप बैठते हो, तो फिर काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से जो है ना मतलब वीडियो ज़्यादा नहीं आ पा रही है, और तो इसलिए अभी तो आप सबका ही घर में यही हाल है। तो ठीक है, आज की वीडियो यही थी, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।